This is Sector 42. Mitchell, Indian Army. The way. What the hell is that? साउथ की एक और बेहतरीन मूवी एंड सुपरस्टार आर्या की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी जिसका नाम है कैप्टन, और आप में से कई लोग इस मूवी के हिंदी डब में रिलीज होने का वेट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये मूवी आपको हिंदी डब में कब और कहां देखने को मिलेगी, और अगर आप इस मूवी को अभी देखना चाहते हो तो अभी आप इस मूवी को कहां और कैसे देख सकते हो। तो अगर आप भी सुपरस्टार आर्या के फैन हो और साउथ की नई नई मूवी हिंदी डब में देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक देखना। तो दोस्तों, कैप्टन जो कि एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी ड्रामा मूवी है, वहीं अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इस मूवी की कहानी आधारित है एक आर्मी ऑफिसर पर जो कि अपनी टीम का कैप्टन होता है, जिसके माता पिता बचपन में ही खत्म हो जाते हैं, जिसके चलते वो अपनी टीम को ही अपनी फैमिली मानता है और अपनी फैमिली के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है और उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार रहता है। लेकिन एक दिन उनको एक बड़े मिशन पर भेजा जाता है, जिसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है जिसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। तो कुल मिलाकर इस मूवी को रिलीज के बाद मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है और ये मूवी एक एवरेज मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पर। वहीं इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.6 की ठीक ठाक रेटिंग मिली है। और अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी अपडेट की और रिलीज डेट की, तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इससे पहले आर्या की कौन कौन सी मूवी देखी है और आपकी वन ऑफ द फेवरेट मूवी कौन सी है, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी अपडेट की और रिलीज डेट की, तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के हिंदी डबिंग का काम स्टार्ट हो चुका है और इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स हैं जी नेटवर्क के पास, और ये मूवी आपको 3 से 4 महीने के बाद जी सिनेमा टीवी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस मूवी को अभी देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि कैप्टन मूवी Z5 ऐप पर 30 सितंबर को अवेलेबल हो जाएगी, जहां पर आप इस मूवी को इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को हिंदी डब्ड में टीवी और यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल वाले आइकन को दबा देना, ताकि ये मूवी जैसे ही रिलीज हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।